अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। जानती हूँ लेट हो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ कि नहीं अपलोड कर सकी वीडियो। ये कुछ मसरूफियत हमारी रही है चांद रात से लेके आज तक, ईद के दूसरे दिन तक। और हम चांद रात को थोड़ी सी शॉपिंग करने चले गए और फिर वहाँ से हम चले गए कुछ पेट पूजा करने, मज़ेदार से रोल खाए कराची के मशहूर गुल प्लाजा जो सेंटर है उसके पास। ये बड़े ज़बरदस्त से रोल मिलते हैं, वहाँ से हमने ये परचेज किए। और इसके बाद हमने अपने फेवरेट स्पॉट जद्दा आइसक्रीम से आइसक्रीम खाई। हमारे साथ जर्नी में रहिए, आपको दिखाते हैं कि हमने चांद रात के दिन क्या क्या किया। आइसक्रीम फॉर यू, अफसोस। कराची का ये एरिया लाइट हाउस कहलाता है, जहाँ आपको कर्टन्स, कारपेट्स और पुराने कपड़े और बहुत कुछ मिल जाता है। वहाँ हम यहाँ पे लाजमी आते हैं जद्दा आइसक्रीम पे आइसक्रीम खाने। यहाँ की आइसक्रीम खाने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं और डेफिनेटली ये आइसक्रीम कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं करती। इसके साथ है कुछ मिठाई वाले, वो भी डेफिनेटली अगर कभी आपका आना हो तो ट्राई करें, इंशाल्लाह कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और अगर लाइट हाउस पे जाएँ तो खूब बार्गेनिंग करने वाला सीन होता है और बहुत मज़ेदार सीन होता है कि आप जब वो हमारे पठान भाइयों के साथ लड़ लड़ के आप जो है ना वो ब्रांडेड जूते ले जाते हैं और कारपेट बहुत कुछ। अब अल्लाह बेहतर जानता है, कहते हैं वो ब्रांडेड होते हैं, अब वो होते हैं या नहीं होते वो असलियत हमें नहीं पता। आप भी जानिएगा, आप भी जाके देखिएगा और हमसे भी शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है कहीं पे भी कोई भी किसी भी टाइम ये कॉल रिसीव कर लेती हूँ। फैमिली कभी कभार इरीटेट भी हो जाती है कि ये फैमिली टाइम है, प्लीज़ हमें टाइम दो, लेकिन एनीथिंग फॉर थैलेसीमिया कॉज। और बस कहीं भी मैं इग्नोर नहीं कर पाती, कॉल ड्रॉप नहीं कर पाती। जैसे कि आप लोगों को काफ़ी सारे लोगों को मालूम होगा कि कराची का ये एरिया हुसैनाबाद अपने फूड, अपने खाने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ का गौसिया चरखिया मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो बस हम फिर वो लेने चले गए हैं अपने डिनर के लिए। और अगर आप भी कभी आपको मौका लगे तो इसका चरखा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा जूसी होता है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी शॉपिंग करने के बाद हम घर आ चुके हैं, क्योंकि है पहले दिन ईद और पहले दिन अगले दिन ईद है और कुर्बानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली ईद को जो है अपने बकरे और दुम्बे की कुर्बानी कर ली है ऐसा तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बानी इख्तिताम हुई। और उसके बाद जो अगले दिन आज के दिन सेकेंड ईद को हमने अपने जो इज्तमाही हमारा जानवर था उसकी कुर्बानी करनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कुर्बानी भी ऐसे तरीके से हो गई। अब इन सारे जो हमारे जानवर थे उनकी कुर्बानी होगी, इन सबका गोश्त इंशाल्लाह थैलेसीमिया फेलोज़ को बटेगा और कुछ का जो है वो मील्स बनके
एलसीवी फेलोज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और मेरा वीलॉग पसंद आया होगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।